सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारे पास आई है एक बहुत ही प्यारी गाड़ी जो कि आपको पीछे दिख रही होगी। तो इसका नाम है हमारी MT15 जो है उसका अपग्रेड वर्जन। मैं 2 साल पहले इसका रेट वेट पूछ के गया था और कब आएगी ये पूछ के गया था। उस वक्त सिर्फ रूमर्स थे कि आने वाली है, लेकिन आज यहाँ पे 2 साल बाद हम लोग को ये गाड़ी आ चुकी है और मैं अभी शोरूम से बात उत करके इसको निकलवा के ला चुका हूँ यहाँ पे और इसकी वीडियो बना रहे हैं। अभी इसका एक तो राइड टेस्ट भी करेंगे, हेलमेट मैं रखा हूँ अपना गोप्रो लगा के, तो अभी एक राइड टेस्ट भी करने वाले हैं इसका। और अभी पहले आप लोग को मैं गाड़ी के बारे में स्पेक्स बता देता हूँ और गाड़ी के पूरे लुक्स दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे है हमारी कुछ ये बाइक और आप लोग एक बार वॉक अराउंड मैं इसका दे रहा हूँ, तो आप लोग पहले इसका वॉक अराउंड देख लो कि कैसा दिख रहा है बाइक वॉक करते हुए और इसका पूरा चारों तरफ से किस तरीके का डिज़ाइन है कुछ। अब यहाँ पे आपने चारों तरफ से गाड़ी को देख लिया है, अब इसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसके फीचर्स। तो सबसे पहले आगे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क मिल जाती है एज इट इज़ जो कि पुराने MT में था, और यहाँ पे ABS रिंग मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे सिंगल चैनल ABS मिलता है जो कि एक माइनस पॉइंट है, लेकिन हाँ ABS मिलता है, कम से कम सिंगल चैनल ही हुआ तो क्या हुआ। आपको यहाँ पे वापस पुराने जैसा MT15 का लिक्विड कूलिंग मिलेगा, आपको रेडिएटर लगा हुआ है वहाँ पे, और सामने का भी आपका कुछ पैटर्न उसी तरीके का है बिल्कुल जैसा पुराने वाले MT में था। और इस वाले MT में ये अपग्रेड है कि इस शोरूम वाले इसको निकाल के KTM के जो इंडिकेटर्स आते हैं वो लगा के दे रहे हैं, साथ में इसको निकाल दे रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। यानी कि ये बल्ब वाले इंडिकेटर कंपनीज आए हैं लेकिन इसको निकाल के उन लोग LED लगा देंगे। अब पीछे बढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टिकरिंग का यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ पे ऐसे स्टिकर्स का थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, और उसके बाद पीछे में भी यहाँ पे स्टिकर का चेंजेस किया गया है थोड़ा सा। और इसका जो ये एलॉय है ना, ये इसका पेंट थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइस अब सबसे बड़ी यहाँ पे जो चेंजेस की गई है उसके बारे में मैं आपके बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो हमको गोल्डन गोल्डन दिख रहा है, ये USD फॉर्क इसमें काफ़ी टाइम से आने वाला था। और USD फॉर्क क्या होता है मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारी नॉर्मल बाइक्स होती है तो उसमें ये पार्ट ऊपर होता है और ये पार्ट नीचे होता है, ऑयल सील हमारा ऊपर होता है, इसमें उल्टा लगा है शॉकअप, जिससे क्या होगा कि छोटे मोटे इम्पैक्ट भी जो होते हैं ना वो शॉकअप को अच्छे से यहाँ पे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ से जल्दी दबता है तो ये फटाक से दब जाता है और पूरे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल फॉक्स आता है वैसा उसमें और इसमें ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, 19 और 20 का ही फ़र्क है, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो और सबसे बड़ी जो चेंजेस की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी में मिलता है ब्लूटूथ। आपको मीटर चालू करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का देखो मिल रहा है ऑप्शन। तो इसके थ्रू आप लोग क्या क्या कर सकते हो मैं आपको स्क्रीन के बाजू में दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन के बाजू में एक इमेज मिल जाएगी, आप रोक के उसको आराम से पढ़ सकते हो कि क्या क्या मिल जाएगा। तो गैस हो गया है, यहाँ पे हम लोग ने जितना गाड़ी को यहाँ पे पीछे देखना था देख चुके हैं। तो अब चलते हैं हम लोग इस गाड़ी को चलाने के लिए, राइड एक्सपीरियंस कैसा है इसका, और आप लोग को गोप्रो पे भी शिफ्ट करते हैं। तो चलो अभी मैं अपना हेलमेट को कर लेता हूँ, पहन लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो गैस आ गए हम लोग गोप्रो में और यहाँ पे पीछे से भी एक बार देख लो आप लोग गाड़ी को। तो चलो अब चलाने चलते हैं ये गाड़ी को, एक कि कैसा है पोस्चर, पूरे पुराने MT जैसा ही है, सेम टू सेम। और यहाँ पे टैंक पे यहाँ की वाला दिया गया जो कि अच्छी बात है, लेकिन ये वाला जो अगर आपका लॉक ख़राब होगा तो आपको ये महंगा पड़ेगा, ये लॉक सेट महंगा पड़ता है। हॉर्नेट 2.0 का मैं ख़रीदा हूँ, 1500 रुपये का पड़ा था मुझे, लेकिन मेरी गाड़ी का जो यहाँ पे रहता है लॉक वो आपको 1200 रुपये का पड़ेगा समथिंग। और इस गाड़ी में आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है जो कि एक अच्छी बात है, मिलता है ना, हाँ तो क्विक शिफ्टर भी मिलता है। और इसका एग्जॉस्ट नोट आपको एक बार सुना देता हूँ, एग्जॉस्ट नोट तो सुनाया ही नहीं मैंने, सुन लो आप लोग एग्जॉस्ट नोट।
तो गाइस बात कर ली यहाँ पे इसके कलर की, तो कलर आपको ये मिल जाता है, मतलब दोनों सेम ही है। एक ये कलर सबसे अलग है जो कि आपको मिल जाता है, लेकिन ये वाला यूनिट किसी और ने कर लिया रिव्यू, इसलिए मेरे को ये वाला नहीं मिला, मुझे ये वाला ही मिला। तो चलो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है अपना फाइल कॉपी, कहाँ से, गोप्रो से पीसी में, फिर पीसी से फिर फ़ोन में, फिर एडिटिंग पे लगेगा। तो जब तक ये एंड ये यहाँ पे होता है 45 सेकंड, तब तक हम अपने ब्लॉग को एंड कर लेते हैं। तो गाइस अभी जस्ट मैं घर पहुँच गया हूँ और बाहर इतनी गर्मी है ना भाई, इतनी गर्मी है कि इतना पसीना हुआ है, पूरा हेड जो मेरा वो हेलमेट का पैडिंग होता है ना वो तक भीग चुका है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग भी भाई कूलर में रहो, भाई मैं भी चालू करूँगा। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और आप लोग को बताना कि कैसी लगी MT15 नया वाली कि पुरानी वाली, कौन सी ज़्यादा अच्छी थी। तो अगर पसंद आया तो कर देना लाइक से सब्सक्राइब। तो देख ले, बाय बाय।